गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो बेटा, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. सो अभी तो 2 हो गया, चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 20. तो बेटा, हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका. ठीक है, सो साउथ अफ्रीका में कौन सा एक सेग्रीगेशन पॉलिसी था, उसको क्या बोलते थे? अपार्थेड. एंड इन अपार्थेड दे वर फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव होता था. और उन्होंने अपने जो पॉपुलेशन थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था. एक थे वाइट्स, ठीक है, और एक थे नॉन वाइट्स, और नॉन वाइट में एक थे कलर्ड एंड ब्लैक्स. ठीक है, तो सिंपली आप ये 3 कैटेगरी कह सकते हो, यानी कि वाइट्स, कलर्ड, ब्लैक्स. तो 3 कैटेगरी में उनकी पॉपुलेशन थी. रूल किनका था? वाइट्स का, गोरे लोगों का, जो यूरोपियंस थे या ब्रिटेन से अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के. ठीक है, ब्लैक जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, जो कि काले रंग के लोग थे, और कलर्ड जो या तो इंडिया से गए थे या अदर ऐसी कंट्री से गए हुए लोग थे, जो ना तो बिल्कुल काले थे ना बिल्कुल गोरे थे. ठीक है, तो वहाँ पर रूलिंग सिस्टम किसके कंट्रोल में था? वाइट्स. एंड नॉन वाइट को राइट टू वोट भी गिवन नहीं था, ये वोट भी नहीं दे सकते थे. वोटिंग राइट भी सिर्फ किसके पास था? वाइट्स के पास था. और आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे बसेस, ट्रेन, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल एंड पार्क्स, हर जगह पे क्या था, ऐसा अलग अलग सिस्टम था. ये वाइट्स के लिए है, ये ब्लैक्स के लिए है. वाइट्स के स्कूल, लाइब्रेरी, सिनेमाज अलग थे, ब्लैक्स के अलग थे हॉस्पिटल्स. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, जो वाइट्स के लिए फैसिलिटी थी वो ज़्यादा थी, ब्लैक्स के लिए बहुत कम थी. एंड इसके अलावा पावर तो सारी ही वाइट्स के हाथ में थी. ठीक है, एरियाज़ जो वाइट एरियाज़ होते थे जिसमें ओनली वाइट पीपल रहते थे, उस एरिया में ब्लैक एंड कलर्ड पीपल के रिस्ट्रिक्शन थी, वो नहीं आ सकते थे. सिर्फ परमिट अगर है किसी के पास तो वही बंदा एंटर कर सकता था, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है, सो अब ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के नेटिव लोग थे वो कौन थे? ब्लैक्स. अब कंट्री के मेन लोग ये हैं और इन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है. ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए अपने राइट्स का डिमांड करना शुरू किया. और एक पॉलिटिकल पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके लीड में वहाँ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसके थ्रू उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंस लिया. ठीक है, इंडिपेंडेंस उन्होंने ले लिया. नाउ ब्लैक जो वाइट्स हैं उनका जो एक अपार्थिड सिस्टम था या उनका जो सोल राइट था पावर पे, वो राइट उनका अभी ख़त्म हो गया. सो नाउ अब जब पूरी तरीके से वाइट्स का एक अधिकार ख़त्म हो गया, तो अब क्या हो गया, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया, वाइट एंड ब्लैक इक्वल. अब 3/4 पॉपुलेशन थी ब्लैक की, तो ऑब्वियसली ब्लैक की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा पावर किन के पास आ गई? ब्लैक्स के. तो वैसे तो अगर ये चाहते ब्लैक्स, अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूट बना सकते थे जिसमें ब्लैक्स की ज़्यादा वैल्यू. ठीक है, क्योंकि वाइट्स ने ब्लैक लोगों का बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया था. ठीक है, और कुछ लोग तो चाहते भी थे, बट नेल्सन मंडेला और ऐसे बाकी लोगों ने उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने किया वो बात बीत गई, अब हम आगे क्या करेंगे, सब बराबर होंगे, सबके लिए हम एक ऐसी साउथ अफ्रीकन सोसाइटीज़ बनाएंगे जहाँ पे सब के लिए राइट होगा, सब के लिए राइट्स होंगे. ठीक है, पेज नंबर 20 पे आओ. टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड हैड इंक्रीज्ड. तो जैसे जैसे अपार्थिड के अगेंस्ट मोमेंट स्टार्ट हुए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और जैसे वो बढ़े, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. अब वाइट्स को ये बात समझ आ गई कि अब वो ब्लैक्स को थ्रू रिप्रेशन, यानी कि डंडे के जोर पे दबा के नहीं रख पाएंगे, उनके ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे. द वाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, तो उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बदल दी. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड,
बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, तो जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थे वो ख़त्म कर दी गई, मीडिया से बैन हटा लिया गया और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी जो बैन लगा हुआ था वो हटा लिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल एज अ फ्री मैन। और नेल्सन मंडेला जो कि ब्लैक लीडर था, जो ब्लैक लोगों को लीड कर रहा था, इसकी वजह से उसने अपार्थिड का प्रोटेस्ट किया, तो उसको भी क्या कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया 28 सालों के बाद। फाइनली एट मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कब, 1992। ठीक है, तो फाइनली 1992 से याद कैसे आ गया, 1992 में वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका का बायकॉट कर दिया था उसी पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, तो 1994 में फाइनली क्या हुआ, 26 अप्रैल को उनको अपना इंडिपेंडेंस मिल गया। तो 26 अप्रैल 1994 ये दिन रिपब्लिक ऑफ साउथ यानी कि एक नए रिपब्लिक जहाँ पे जनता का राज होगा, डेमोक्रेटिक रूल होगा, एक ऐसे साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा था वो फहरा दिया गया। द अपार्थिड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब अपार्थिड सिस्टम ख़त्म हो गया, वाइट्स का जो रूल था वो ख़त्म हो गया, अब वो एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को बनाने जा रहे थे। सो हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका। तो अब ये कैसे आया, तो चलो एक स्पीच है नेल्सन मंडेला की वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो उसने दी थी, हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर एंड माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस दैट द किरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो क्या है कि वो कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज हैं सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। भाई जो हमारे दुश्मन किनको कह रहे थे, वो जो वाइट्स, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे थे उनके ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई हमने उनको किसी तरह अपने लिए रूल करने के लिए या जो एक अपार्थिड पॉलिसी थी उससे ख़त्म करके हम एक नए डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आए हैं। वो किस वजह से आए हैं, हमारी गुडनेस की वजह से, हमारी अच्छाइयों की वजह से, और हम उस अच्छाई को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया वो गलत बात थी, अब अगर हम भी उनके साथ भेदभाव करें तो वो भी हमारी गलत बात होगी। ठीक है, आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट। अब क्या हुआ, आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब एक नया डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका बना, देन ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स। तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के ब्लैक लोगों से अपील किया, भाई वे वाइट लोगों को माफ़ कर दें जो उन्होंने किया है, जो अत्याचार, जो रिप्रेशन, जो गलत काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं, हमारे खिलाफ किए थे, उन सब के लिए उनको माफ़ कर दें। ओके, फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। जो उन्होंने पावर में रहते जो काम किए थे, जो अत्याचार किए थे, उसके लिए उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि ब्लैक लीडर्स को भी ये पता था अगर हम भी वही भेदभाव वाली पॉलिसी लगाएं, बदला लेने वाली नीतियां अपनाएं, तो हम भी सोसाइटी में एक पीस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, शांति नहीं रख पाएंगे, फिर से वही आपस में नस्लीय भेदभाव होगा। ठीक है, फ़र्क ये होगा, पहले वाइट कर रहे थे फिर ब्लैक करेंगे, तो वो कोई एक बेटर सिचुएशन नहीं थी किसी भी सोसाइटी के लिए। तो दैट्स वाई ब्लैक लीडर्स ने अपने कम्युनिटी के लोगों को क्या अपील किया, भाई व्हाट इज़ डन इज़ डन, जो बीत गया सो बीत गया, आगे का देखते हैं, आगे एक बहुत हमारे पास जहान पड़ा हुआ है तो उसको संभालते हैं, पिछली बातें भूल जाते हैं।
दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। तो उन्होंने अपील किया अभी चलो एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जिसमें सब बराबर होंगे, ठीक है, एंड चाहे उसमें कोई भी रेस का पर्सन हो, किसी भी नस्ल का आदमी हो या फिर कोई मर्द है औरत है, सब बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, ठीक है, और एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगे, सिटीजन्स राइट होंगे यानी लोगों के अधिकार होंगे। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. और आप कमाल देखो, वो पार्टी जो पहले वाइट्स की थी, जो रूल करती थी, जिसने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे घटिया कानून बना रखे थे, और दूसरी तरफ थी ब्लैक लोगों की पार्टी लाइक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि उनके खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है, बट आज एक ऐसा टाइम आ गया था जब दोनों पार्टीज एक जगह बैठी हैं और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रही हैं मिलजुल के। आफ्टर टू इयर्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट द वर्ल्ड हैज एवर हैड। और दो साल के डिस्कशन के बाद फाइनली वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया, ठीक है। The constitution gave to its citizen the most extensive rights available in the country. तो उन्होंने जितने ज़्यादा राइट हो सकते थे वो लोगों को दिए, प्रोवाइड कराए, लोगों की वैल्यू को समझा। Together they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. अब उन्होंने कहा कि चाहे समस्या कुछ भी होगी, nobody will be excluded, किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई ये तो किसी काम के नहीं है इनको साइड कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, सब बराबर हैं, सबके बात की वैल्यू बराबर है, सबके कल्चर की वैल्यू बराबर है, तो कोई भी डिसीज़न होगा सबकी सुनी जाएगी, सबके वैल्यूज़ को ध्यान में रखा जाएगा। सो नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, और ना ही किसी को गलत ट्रीट किया जाएगा। जैसे वाइट्स क्या करते थे, वाइट्स ब्लैक लोगों को एंड कलर्ड लोगों को इन्फीरियर ट्रीट करते थे, भाई ये तो घटिया हैं, ये वो उनको बंदा ही नहीं समझते थे। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो उन्होंने इस बात पे सहमति जताई भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन मिलजुल के ढूंढा जाएगा। सो वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रजेंटेड इन द पास्ट। अब ये बात उस टाइम ध्यान नहीं रखी जाएगी कि भाई पहले क्या किया था, किसने गलत किया, उसने गलत किया, ये बातें अब ध्यान में नहीं रखी जाएंगी, ना ही उन बातों पर कोई यानी पास्ट को कोसने वाला अब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो भाई, मान लो पॉलिटिक्स में दूसरे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ठीक है, अब पावर में जो पार्टी है वेदर उसमें ब्लैक लोग ज़्यादा हैं और कोई डेवलपमेंट में कमी आ गई तो वो पुरानी सरकारों को दोष देने लग जाएं, उन्होंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, ठीक है, तो वो यानी कि उन्होंने कहा भाई जो पास्ट है वो बीत गया, अब उसकी कोई बात नहीं होगी। द प्रीम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। और जो उनकी प्रीम्बल है, ठीक है, प्रीम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक फर्स्ट पेज है जिस पे सारे मेन वैल्यूज़ को उन्होंने क्या किया, सम अप किया है, पेज नंबर 28 खोलो एक बार, तो पेज नंबर 28 पे आपको साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल है, और उसके नेक्स्ट पेज पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, ठीक है। हाँ, ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से कम है, क्योंकि हमने तो वो पहले बना लिया था ना, हमने तो 1950 में बना लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का बाद में बनाया उन्होंने, 1994 के बाद बनाया, ठीक है। बट अगर आप पढ़ोगे तो कुछ बातें सेम भी हैं, कुछ अलग भी है, ठीक है। जैसे आप पढ़ो एक बार 28 पेज पे, तो नीचे आपको लिखा मिलेगा वी, जो नीचे वाला पेज है, नीचे वाली प्रेम्बल है वो पढ़ो, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका recognize the injustice of our past, भाई हम
पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ उसको ध्यान में रखते हैं। ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड, और जिन लोगों ने जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी उन लोगों का सम्मान करते हैं। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, उन लोगों के लिए भी हम सम्मान करते हैं जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए काम किया। एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, यूनाइटेड इन द डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, क्या है कि बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, भाई साउथ अफ्रीका उन सब के लिए है जो यहाँ रहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये तो नहीं कहा भाई साउथ अफ्रीका भाई पहला ब्लैक का है या वाइट का है, नहीं, साउथ अफ्रीका उन सबका है जो यहाँ रहता है। यही बात हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की है भाई, इंडिया सबके लिए है, यहाँ पे किसी भी कास्ट रिलीजन या कैटेगरी के लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, एवरी पर्सन इज इक्वल। ठीक है, चलो वहीं वापस आओ अपने मेन टॉपिक, पेज नंबर 21। सो द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बातें थी साउथ अफ्रीका की, उसने पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेट्स को बड़ा पॉजिटिव वाइब्स दिए, उसको बड़ा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। 1994 तक जो कंट्री दुनिया में एक अनडेमोक्रेटिक ट्रीट होती थी, जिसकी हर जगह बुराई होती थी, आज वो डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया। एवरीबडी इज प्रेजिंग, हर बंदा प्रेज कर रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन प्रेज कर रही है। सो वॉट मेड दिस चेंज पॉसिबल वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टूगेदर, तो ये मिसाल कैसे बनी? ठीक है, ये उन लोगों के उस एफर्ट से या उनकी थिंकिंग जो कि वो साथ रहना चाहते हैं मिलजुल के, उन्होंने दिखाया कि साउथ अफ्रीका के लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इन टू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन। ठीक है, ठीक है, जो पहले कड़वी यादें थी उनको छोड़ के अब एक नया ऐसा नेशन जिसमें रेनबो में, जैसे रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं बट सारे इकट्ठा सुंदर लगता है, इसी तरह एक ऐसी सोसाइटी जिसमें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं बट सब मिलजुल के रहें। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सैड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स और बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं भाई, जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्यूचर की भी बता रहा है और पास्ट की भी बता रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 5 लाइनें पढ़ के सुनाई है अभी प्रेम्बल की, तो शुरू में उन्होंने क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, भाई हम अपने जो पास्ट में इनजस्टिस हुआ उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और फिर ये भी उन्होंने लाइन ये भी लिखी है, ठीक है, भाई साउथ अफ्रीका उन सबके लिए जो यहाँ रहता है, तो यानी कि वो उसमें फ्यूचर और पास्ट सारी बातों पे गौर कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सॉम पैक्ट इन विच वी ए साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। तो क्या क्यों बोलते हैं कि इट इज़ अ सॉम पैक्ट इन विच वी ए साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर, भाई हमने क्या कि एक दूसरे के राइट्स को समझा है और हम वो जो एक पास्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सेग्रीगेशन था, अब हम उसे और आगे नहीं लाना चाहते। बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इन टू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे लोगों के लिए एक चार्टर है, जो चार्टर क्या होता है, जिसमें कुछ अधिकार लिखे होते हैं, राइट्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो जो कि कंट्री के लोगों को लोग उसको आपस में शेयर करेंगे, यानी कि सबके लिए है वो। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड वाइट वुमेन एंड मेन, यानी कि ये जो कंट्री है ये सबके लिए है, सबके अधिकार इसमें बराबर हैं, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, मैन हो या वुमेन हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ये जो अब तक हमने पढ़ा है इसमें मेन बात निकल के क्या आई है, मेन बात ये निकल के आई है कि जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम जब बात आ रही है राइट्स की, तो हम इस बात को बिल्कुल ध्यान, देखो इंडिया में तो क्या हुआ, इंडिया में तो ब्रिटिशर्स यहाँ बसे नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट करके और सब कुछ यहीं पे छोड़ छाड़ कर चले गए, ठीक है। उस टाइम अगर किसी ब्रिटिशर की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ भी थी तो वो भी वो यहीं पे छोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं बसे, अगर यहाँ पे ब्रिटिशर बसना चाहते, जितने लोग उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, अगर वो यहीं पे सेटल होना चाहते तो क्या हम ऐसे लॉज बना सकते थे कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत डिस्क्रिमिनेट किया है, बहुत हमको टॉर्चर किया है, हम भी अब इनको टॉर्चर करेंगे? तो अगर हम ऐसे थिंकिंग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो वो कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। आग का बदला आग थोड़े ही होना चाहिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका में यही हुआ, वाइट्स ने इतना डिस्क्रिमिनेट किया उन लोगों को, बट उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का ज़रा सा भी नहीं सोचा। उन्होंने मेन चीज़ क्या देखी, भाई एक आग बुझा के दूसरी लगाएं कोई बेनिफिट नहीं है, सब मिलजुल के रहेंगे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े अच्छे से फ्रेम किया। तो इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, ताकि देश में शांति रहे और रूल बाय रूल सारे काम जो हैं वो चलते रहें, ठीक है। तो यहाँ बाकी बेटा हम करेंगे कल, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो ये हम पढ़ें कल, आज वाले जो बात थी वो हमने किया साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन्स के बारे में, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी देखना, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम अगर आपने देखी हो तो उसमें एकदम गोरे लोग भी हैं, जैसे यूरोप के इंग्लैंड टाइप के लोग हैं, ठीक है, जैसे एबीडी विलियर्स है, ठीक है। और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल काले हैं, जैसे कगिसो रबाडा नाम का बॉलर है, ठीक है। और भी कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल ब्लैक हैं और बिल्कुल वाइट भी हैं। हाँ, पर आप एक चीज़ देखना, वाइट प्लेयर ज़्यादा आते हैं। रीज़न क्या है, वाइट्स जो थे वो वहाँ पे पहले से पावर में हैं, ठीक है। यानी कि 1994 तक तो सारी पावर ही वाइट्स के पास थी, तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उन वो ब्लैक्स के मुकाबले ज़्यादा रिच हैं, उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, तो उनके इसीलिए उनका हो सकता है अभी तक वाइट्स का दबदबा चल रहा है, बट धीरे धीरे हो सकता है, वो टाइम लगता है एक, तो धीरे धीरे वो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो बेटा आई होप आपको ये बात समझ आई, बाकी हम करेंगे कल, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, थैंक यू।